कोरोना की घटनाओं और प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद आए बदलाव के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा से भारत बांग्लादेश सीमा पर नागरिकों की आवाजाही पर बैन लगा दिया गया है और बॉर्डर पर जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। असम, मेघालय और त्रिपुरा सरकार ने सुरक्षा बलों और बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों को बांग्लादेश में हिंसा के किसी भी नतीजे से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। पूरी सीमा पर व्यापक अभियान बीएसएफ मेघालय फ्रंटियर ने मंगलवार को एक बयान में कहा, अवैध प्रवेश और तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी सीमा पर व्यापक अभियान चल रहे हैं। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों और कमांडेंट को सीमा पर तैनात किया गया है और उन्हें मिशन मोड पर रहने का निर्देश भी दिया गया है। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ कर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने और सोमवार को सेना के सत्ता संभालने के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इससे नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ का डर पैदा हो गया है। जैसे कि 2021 में म्यांमार में सेना द्वारा शासन संभालने के बाद इस क्षेत्र में देखा गया था। म्यांमार के सांसदों और मंत्रियों सहित 35,000 से ज्यादा शरणार्थी और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी मिजोरम में शरण ले रहे हैं। ये लोग म्यांमार में आंग सान सू की के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सेना द्वारा गिराए जाने के बाद भारत में दाखिल हुए थे। पूर्वोत्तर में स्वदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने सोमवार को केंद्र से घुसपैठ को रोकने का आग्रह किया, क्योंकि 1971 से घुसपैठ पहले से ही उनकी पहचान और संस्कृति के लिए खतरा बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकने का आश्वासन भी दिया है। बीएसएफ भी हाई अलर्ट पर। बंगाल और असम में सीमा के 409 किलोमीटर लंबे हिस्से की रक्षा करने वाले बीएसएफ के गुवाहाटी फ्रंटियर ने कहा है कि 11 बटालियन और एक जल विंग इस हिस्से की रखवाली कर रही है और सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें कहा गया है सभी भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। इसमें आगे ये भी कहा गया कि वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए खुफिया अभियान बढ़ा दिए गए हैं, ताकि किसी भी उभरते खतरे की तुरंत पहचान की जा सके और उसे बेअसर किया जा सके। त्रिपुरा के सीएम मणिक शाह और असम के उनके समकक्ष हेमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को स्थिति और सीमा पर किए गए सुरक्षा इंतजामों को जायजा लेने के लिए अलग अलग बैठकें भी की हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो घुसपैठिए हैं, जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं भारत की सीमा में, क्या हम इन्हें रोक पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।